तो आज बनाएंगे जी बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिलीशियस और मजेदार से डोनट्स की रेसिपी, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं कुछ मीठे के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी से मजेदार से डोनट की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और टेस्ट में एकदम मजेदार से होंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप पानी, जो कि नीम गर्म है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ कप शुगर, आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ईस्ट। ईस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध, जो कि नीम गर्म है और फ्रेश है। और दोबारा से मिक्स करके 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और ये हो जाएगा 2 कप मैदा। आप किसी भी कप से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसमें मज़ीद 1 कप मैदा ऐड करेंगे, मतलब कि हमने 3 कप मैदा ऐड किया है। अगर आप चाहें तो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं मैदे की जगह। तो यहाँ पर इस आटे को हमने बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे एक तरह से स्मूदली सा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और बस इस तरह से हम इसे रख देंगे सेट करने के लिए, मतलब कि अच्छे से राइज हो जाए तकरीबन आधे से 1 घंटे तक। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से आटा जो है बहुत अच्छे से राइज हो चुका है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा। तो बस इस स्टेज पर इसे साइड पर करेंगे और नीचे हम काउंटर पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैदा, और इस डो को हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। और अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे जी 2 पीसेस में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर 2 पीसेस में डिवाइस हमने डो को कर लिया है, और अब इस तरह से एक को हम साइड पे करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे, और इस डो को जो है वो हम पेड़ा बना लेंगे कुछ इस तरह से अच्छी तरह से। एक बाद काउंटर पे हम दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को रखेंगे जो हमने बनाया है। और अब हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं ना, बस आपने उसी तरह से बेलना है, लेकिन आपने इसे थोड़ा मोटा रखना है। इस तरह से हम बेल देंगे इसे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने इस डो को बेल लिया है और इस तरह से इसे मोटा रखेंगे। इसके साथ हमने कुछ इस तरह से गिलास लिया है, इसकी मदद से हम गोल कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से हम स्टील के गिलास की मदद से गोल कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब आपने किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लेना है कुछ इस तरह से, और सेंटर में आपने इस तरह से कट लगा लेना है गोल सा। अगर आपके पास छोटा कटर है या आपके पास जो भी छोटी सी कोई चीज़ है, आप उसके साथ इसे इस तरह से डोनट की शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कटर है तो तभी आप जो है वो डोनट की शेप दे सकें। तो इसी तरह से जो है वो सभी की शेप हमने दे ली है। अब जो एक्स्ट्रा डो होगी इसे हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से आपने इसे भी जो है वो बेल कर इसी तरह से डोनट बना लेने हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो डोनट्स की शेप बन चुकी है इन्हें हम प्लेट में रखेंगे कुछ इस तरह से। और बस इसी तरह से है जो है वो हम दूसरे भी सभी डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से डोनट की शेप बन चुकी है। इस तरफ जो है वो हमने ऑयल को प्री हीट कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, और इन्हें हल्की फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है, जैसे कि ये फूले फूले बनेंगे। स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल भी इन्हें छेड़ना नहीं है, ये खुद ही फ्राई होकर एक तरह से ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगे कुछ इस तरह से। तो अब इनको जो है वो हम पलट लेंगे, और इसी तरह से इन्हें गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे हल्की फ्लेम पर। मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और न्यू रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो यहाँ पर डोनट्स फ्राई हो चुके थे, इन्हें छन्नी की मदद से हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरे डोनट भी ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। यकीन माने जब बच्चों को आप ये डोनट बनाकर देंगे ना, तो वो लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे और आकर आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे कि आज आपने इतना मज़ेदार उनको लंच दिया। और आप इन डोनट्स को बनाकर रख भी सकते हैं 1 से 2 दिन तक, लेकिन 1 से 2 दिन तक ये रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने मज़ेदार होते हैं कि ये 1 दिन में ही फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने माशाल्लाह से सभी डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें प्लेट में निकालेंगे। इसके साथ हमने कुछ इस तरह से बंटीज लिए हैं कलरफुल, और चॉकलेट ली है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में जरूर डाल दूंगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में चॉकलेट बनाने का तरीका नहीं बताया। तो सबसे पहले चॉकलेट में आपने अच्छी तरह से डोनट को डिप करना है, और ऊपर से कुछ इस तरह से हमने कलरफुल बंटीज लगा ली हैं। आपके पास जो भी हैं आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा डोनट बनकर तैयार है, इसे प्लेट में रखेंगे।
और इसी तरह से जो है वो हम एक और डोनट के ऊपर से सबसे पहले चॉकलेट लगाएंगे। चॉकलेट बहुत अच्छे से लगाइएगा, फिर जो बंटीज हैं ये बहुत अच्छे से चिपकेंगी इस तरह से। तो आपने ऊपर से बंटीज लगानी है और इसी तरह से जो है वो मैं सभी डोनट बनाकर तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से डोनट हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं, एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बने हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट में देना चाहें तो आप इन्हें गिफ्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल रखा है जिसके ऊपर सिर्फ चॉकलेट लगाई है। आपको जो अच्छे लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह से मेरी ये डोनट की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। और माशाल्लाह से ये जो डोनट हमने बनाए हैं ये एकदम सॉफ्ट से होते हैं और बहुत ही टेस्टी से, और ऊपर जो हमने चॉकलेट लगाई है उसका तो कहना ही नहीं, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से ये डोनट बनकर तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह से जब आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल डोनट ले लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त से जो है वो फूला फूला बना है, एकदम फ्लफी फ्लफी सा देख सकते हैं, एकदम जालीदार है अंदर से और बहुत ही मज़ेदार से जो है ये फ्राई हुआ है। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आपके भी डोनट मज़ेदार से बने, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।